हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड, तो बॉन्डिंग चैप्टर में बहुत बार ये टर्म्स आएंगे हमारे पास, तो सबसे पहले इन सारे टर्म्स को इंडिविजुअली समझ लेना है हमें। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड में पहला टर्म जो हमारे पास आता है उसको बोलते हैं हम लोग बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ होता क्या है, किसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, ये समझ लेंगे पहले हम लोग। तो इसको देखिए, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इट इज दी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इट इज दी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन दी न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो किसी भी मॉलिक्यूल में दो बॉन्डेड एटम जो हमारे पास होंगे, ठीक है, उन दोनों के बीच का इक्विलिब्रियम डिस्टेंस जो होता है उसी को हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। जैसे देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि मेरे पास दो एटम्स हैं, ऐसे कोई दो एटम्स आए मेरे पास और ऐसा कोई बॉन्ड फॉर्म कर लिया इन लोगों ने। मान लेते हैं ये अपने पास एटम ए है और ये अपने पास एटम बी है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया और ये इसका न्यूक्लियस हो गया। तो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस जो हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ तक मान लीजिए हमारे पास आर ए हो गया और इसको मान लेते हैं हम लोग आर बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली बॉन्ड लेंथ मान लीजिए आपने R से रिप्रेजेंट किया, इट विल बी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी हो गया। ये कब हुआ कि जब उनके बाउंड्रीज आपस में सिर्फ अटैच थे, ओवरलैपिंग नहीं कर रहे थे। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाए कि मेरे पास दो आइटम्स हैं और ये ओवरलैप कर गए और इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है और इसका न्यूक्लियस यहाँ पे, तो यहाँ पे आर ए प्लस आर बी हम लोग नहीं कर सकते। यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस जो होगा ये हमारा बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, इसको हम लोग बॉन्ड लेंथ बोल देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ क्लियर हो गया कि बॉन्ड लेंथ क्या है, कोई भी दो आइटम जब आपस में क्लोज आकर के बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है, उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फिर सेकेंड पॉइंट की तरफ। तो सेकेंड पॉइंट हमारा हो जाता है बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बॉन्ड एंगल क्या हो गया, तो बॉन्ड एंगल को समझिए, इट इज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स, इट इज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम, अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में हमारे पास ऑर्बिटल्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हुए हैं उनके बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग बॉन्ड एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल के हेल्प से हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास सेंट्रल एटम एक एक्स हो गया, ठीक है, और यहाँ पे दो साइड एटम्स मैंने अटैच कर दिए, लेट से वाई एंड वाई। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप एंगल निकालेंगे तो दो एंगल हो सकता है, एक तो ये वाला एंगल हो सकता था आउटसाइड वाला, और एक एंगल हमारे पास ये हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना आपको कि किसी भी दो आइटम के बीच में जो सबसे छोटा एंगल होता है वही उसका बॉन्ड एंगल होगा, मतलब ये बॉन्ड एंगल एक्सेप्टेबल है, ये नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही अगर मान लीजिए एक्स के साथ मेरे पास तीन वाई आ गए, तीन वाई अटैच कर दिए मैंने, ये ऐसा हो गया, तो इस केस में क्या होगा बॉन्ड एंगल जब निकालेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो सकता था, एक तो ये हो सकता है या फिर इनके बीच में ये एंगल हो सकता है, या फिर मैंने
फर्स्ट वाले के साथ ऐसा ऐड कर दिया, ठीक है, ये हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि बॉन्ड एंगल कभी भी दो एडजेसेंट बॉन्ड्स के बीच में होता है, मतलब ये वाला अपना बॉन्ड एंगल नहीं हो सकता है, ये दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल हो सकता था और इन दोनों बॉन्ड्स के बीच का एंगल हो सकता है। तो याद रखेंगे आप लोग कि किसी दो आइटम के बीच में अगर दो टाइप के एंगल्स मिल रहे हैं तो छोटा वाला एंगल अपना बॉन्ड एंगल होगा, और किसी भी दो एडजेसेंट बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल होता है वो बॉन्ड एंगल होता है। उन दो बॉन्ड्स के बीच में कोई तीसरा बॉन्ड नहीं आना चाहिए, कोई तीसरा ऑर्बिटल नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसा भी याद रख सकते हैं, एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड्स, तो एडजेसेंट जो रहेंगे उनको ही लेना होगा, टू एडजेसेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग थर्ड। तो थर्ड क्या हो जाता है, थर्ड हो जाता है हमारे पास बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन गैसेस स्टेट, इन गैसेस स्टेट मतलब गैसेस स्टेट में हमारे पास किसी भी दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बना है उसी टाइप के एक मोल ऑफ बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमारे पास जो एनर्जी चाहिए होगी उसको हम लोग बॉन्ड इंथाल्पी बोलते हैं। बॉन्ड इंथाल्पी का यूनिट क्या हो जाता है, इसका यूनिट हो जाता है किलो जूल पर मोल, क्योंकि ये हम लोग हर मोल के लिए निकाल रहे हैं, इट इज़ नॉट फॉर अ सिंगल बॉन्ड, इट इज़ फॉर वन मोल ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। एक और चीज़ आप ध्यान में रखें कि बॉन्ड इंथैल्पी क्या थी, एनर्जी रिक्वायर्ड है बॉन्ड तोड़ने के लिए, तो जो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब क्या है, दैट बॉन्ड स्ट्रेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड इंथैल्पी, मतलब जिसकी बॉन्ड इंथैल्पी जितनी ज़्यादा होगी उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा, या आप याद रख सकते हैं जिसका बॉन्ड इंथैल्पी ज़्यादा है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट चलते हम लोग फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो हमारा हो जाता है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो इसको समझिए, इन लिविस डिस्क्रिप्शन, लिविस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, इन लिविस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो किसी भी दो आइटम के बीच में हमारे पास जितने सारे बॉन्ड बन रहे हैं वही उनका बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है। जैसे आप समझ लें कि अगर मैंने एन और एन के बीच में ले लिया, तो एन और एन के बीच में एन टू में तीन बॉन्ड्स हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कितना हो गया, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर थ्री हो गया। अगर एफ टू में जाते तो फ्लोरिन फ्लोरिन के बीच में एक बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। ऑक्सीजन में जाते हैं तो दो बॉन्ड्स हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो लिविस डिस्क्रिप्शन में दो आइटम्स के बीच में जितने बॉन्ड्स बन रहे हैं वही हमारा वहां पर बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, एक जनरल टर्म आप याद रख सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए, दैट बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ जिसका कम उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा।